राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपको जो है नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों की आपको जो है बहुत 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 बधाई हो। इन नवरात्रों पर जो है आपके जीवन में सभी जो है सभी प्रकार से आपके जीवन में जो है कष्ट आपके समाप्त हो जाए, आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली जो है वो मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आ जाए। इतने पावन होते हैं नवरात्रे, और नवरात्रों पे आज हमारा टॉपिक क्या है, हमारी बात करने का, किस बात पे हम बात करेंगे आज। आज हमारा बात करने का ये विषय है कि आपको नवरात्रे आने से पहले क्या ऐसी 5 चीजें अपने घर में लानी है जिससे माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर पड़ जाए। देखिए, जो लोग भी माता रानी की कृपा जो पाना चाहते हैं ना, वो लोग जो लोग माता रानी के भजनों को गाते हैं, जो लोग माता रानी का ध्यान करते हैं, जिनके दिमाग में माँ 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 बसती है, जो माँ की पूरी अनुकंपा चाहते हैं, ऐसे लोग जो है ना बड़े शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। बड़े स्ट्रांग जो लोग माँ को मानते हैं, तो वो आर्थिक फाइनेंशियली रूप से और आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से जो है आपकी माइंड और आपकी बॉडी, आपकी सोल, इन तीनों चीजों पर जो है माँ, माँ क्या है, माँ का शब्द क्या है, माँ एक ऐसा शब्द है जिसे आप जो है आप गॉड कह लीजिए माँ को, या अपनी माँ का अपनी माँ को मान लीजिए, तो माँ आपको हर दुख तकलीफों से आपको जो है वापस लेकर आती है, आपको हर मुसीबत से आपको लेकर आती है और आपको कामयाबी हासिल जो है वो करवाती है, वो है आपकी माँ, और वो है माँ काली। माँ काली, माँ दुर्गा, सभी माँ के रूप है। अब देखिए, अब जब नवरात्रे आ रहे हैं तो कभी माँ स्कंद माता का रूप ले लेगी, कभी माँ कात्यायनी का रूप ले लेगी, कभी माँ जो है कभी कोई रूप ले लेगी, माँ गौरी का रूप ले लेगी, कभी माँ कोई और रूप ले लेगी। तो आपके सारे रूपों के पीछे जो जो एक माँ है वो है माँ। तो आपने जो है क्या ऐसा कुछ सामान आपको अपने घर से लेकर आना है, घर में लेकर आना है नवरात्रे शुरू होने से पहले। आपको पता है माता को मनाने के लिए इतने लाखों लाखों लोग जतन करते हैं, लोग दो पैदल पैदल जो है यात्रा कर लेते हैं, वैष्णो देवी की चढ़ाई कर लेते हैं, और क्या कहते हैं पैदल पैदल जो है वो कितनी ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। तो माँ को तो मनाना ही है ना, तो माँ को तो हर यतन जतन जो भी करके आपको मनाना ही। तो ऐसी मैं आज ऐसी आपको 5 चीजें बता रही हूं जिसको अपने घर में आपको ले आते हैं तो माँ की कृपा आपके ऊपर पूरी पूरी रहेगी। तो सबसे पहले वो क्या चीज है, सबसे पहले वो चीज है आप जो है अपने घर में एक लेके आते हैं श्री यंत्र। ये देखिए श्री यंत्र, श्री यंत्र जो है आपको पता ही है, और ये भी देखिए श्री यंत्र है। आप किसी भी फॉर्म में एक श्री यंत्र लेकर आइए और उसे अभिमंत्रित करके रखिए अपने घर में नवरात्रों के आने से पहले पहले, नवरात्रों के बीच में ही ले आइए, लेकिन आपको लेकर आना है और उसे अपने मंदिर में स्थापित करना है और इसे अभिमंत्रित करना बड़ा जरूरी है। देखिए बाकी तो एक कांच का टुकड़ा है, अगर आप इसे अभिमंत्रित कर लेंगे तो ये इसमें जान आ जाएगी, और अभिमंत्रित चीजें ही असर करती हैं। आप जितनी मर्जी चीजें लेके आ जाइए लेकिन अभिमंत्रित करके रखेंगे तो उसके लिए आपको बहुत बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो एक श्री यंत्र जो है, चाहे वो मेटल में हो चाहे वो कांच में हो, आपको जो है श्री यंत्र जो है जरूर लेकर आना है, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है, देखिए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, अगर मैं आपको बोलूं कि ये लेकर आइए तो लोग कहेंगे कि चांदी नहीं है जी, सोने के रेट बढ़ रहे हैं। अब तो वैसे सोने के रेट तो घटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हर कोई इंसान जो है वो नहीं खरीद पाता। मैं भी आप समझती हूँ बात को आपकी, लेकिन आप चांदी की छोटी सी डिब्बी तो ला सकते हैं, चांदी की आप छोटी सी डिब्बी ला सकते हैं, और इस चांदी की डिब्बी में आप थोड़े से मोती, मोती देखिए चाइनीज अगर मोती भी मिल जाए ना देखिए तो भी चलेंगे, इस चांदी की डिब्बी के अंदर आपने थोड़े से मोती रखने, अगर मोती ना मिले तो चांदी की डिब्बी में चावल डाल लीजिए और उसमें 2-3 केसर की वो डाल लीजिए, और माँ के आगे अपने मंदिर में जो है डिब्बी को बंद करके जो है आप रख के रखें। इससे भी आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन में, आपके लाइफ में आपकी बहुत अच्छी तरह से आती है। चांदी की डिब्बी नहीं खरीद सकते, सक्षम नहीं है, तो चांदी का छोटा सा सिक्का ले आइए, चांदी का स्क्वायर पीस भी चलेगा, उसे अपने पर्स में रख लीजिए। ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी, पहला तो श्री यंत्र बताया मैंने आपको, ये लेके आना है आपको, और उसके बाद जो है साथ में चांदी की डिब्बी, चांदी का चुकोट टुकड़ा, वो आप लेकर आइए और अपने घर में रखिए। तीसरी चीज,
जिसे लक्ष्मी का कारक कहा गया है और जिसे कई लोग जो है किसी किसी फॉर्म रखते हैं, वो है कछुआ। ये देखिए कछुआ, कछुआ और गर्दन अगर कछुए की हिल रही है तो सोने पर सुहागा है। ऐसा लकड़ी का कछुआ भी लेके आ सकते हैं आप और मेटल का कछुआ भी अपने घर में रख सकते हैं। आपको जो है कछुआ, चाहे आपके लकड़ी का हो चाहे मेटल का हो, आपको कछुए को अपने घर में लेकर आना ही आना है। नवरात्रों से पहले ले आइए, नवरात्रों के बीच में ले आइए, जैसे नवरात्रे खत्म होने से पहले पहले आपके घर में ये चीजें जो है वो जरूर होनी चाहिए। अगर आपने पहले से अगर आपके घर में इसमें से कोई, कई कई लोग बोलेंगे कि हमारे पास तीन चीजें हैं, तो वो दो चीजों को और पूरा कर लीजिए। हमें पांच चीजें करनी है तो वो पांच चीजें आप अपनी पूरी कर लीजिए। और इसके लिए कोई दिन नहीं है, किसी भी दिन लेके आ जाइए, यानी सोमवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिन, किसी भी समय हो सके तो सूर्य उदय से पहले पहले लाकर रख लीजिए और मंदिर में अपने स्थापित कीजिए। और अगर आपको मंत्रित मिल जाए तो बस फिर तो वारे न्यारे हैं आपके, अभिमंत्रित चीजें मिल जाए। और ये देखिए पिरामिड, ये है पिरामिड, ये देखिए पिरामिड, ये पिरामिड आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट पे रखना है। इस पिरामिड के अंदर भी पिरामिड है। अब हमने कुछ ऐसे पिरामिड्स बनाए हैं जो नवरात्रों में हमें अभिमंत्रित कर रहे हैं। उन पिरामिड्स के अंदर गोमती चक्र, उन पिरामिड्स के अंदर ऐसी बड़ी जबरदस्त बहुमूल्य चीजें हैं जिनका असर आपको बहुत अच्छा और इफेक्टिव लगेगा। तो वो पिरामिड्स भी हम आपको जो है वो नवरात्रों में, अगर आप अभिमंत्रित पिरामिड्स लेना चाहते हैं जिनमें गोमती चक्र आपको मिलेंगे, उसके अंदर ही आपको जो है यंत्र मिलेंगे, उसके अंदर ही बहुत बहुमूल्य चीजें मिलेंगी। वो कांच का पिरामिड होगा और उसके अंदर आपको सामान मिलेगा, तो वो भी आप हमारे कार्यालय से अभिमंत्रित ले सकते हैं। उससे भी आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो बहुत 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 जबरदस्त जो है वो आएगी। और क्या कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं? देखिए चार चीजें मैंने आपको बता दी। एक तो आपको बता दिया मैंने सबसे पहले श्रीयंत्र, उसके बाद बताया मैंने आपको चांदी की डिब्बी, तीसरा बताया मैंने आपको कछुआ, तीसरा मैंने आपको बताया कछुआ। कछुआ जो है आप रख सकते हैं, चाहे आप इसे कांच का, क्रिस्टल का, मेटल का, कोई भी रख सकते हैं। चौथा मैंने आपको बता दिया, आप ये यंत्र रख सकते हैं। अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो इस यंत्र को मंगवाइए, बहुत जबरदस्त। अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में रख लिया और एक वेस्ट में रख लिया और एक साउथ ईस्ट में रख लिया, आपके पास फाइनेंस की कमी कोई नहीं रहेगी। फाइनेंस ही फाइनेंस आपके पास मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। और मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी कि इस डायरेक्शन में आपको ये रखना है। और पांचवी चीज जो है वो हमारी है माँ लक्ष्मी, कमल के फूल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की पिक्चर आपको जो है ये अपने घर में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगानी है। और वहां पर आपको लगा चिपकाने हैं पांच गुलाब के फूल, पांच गुलाब के फूल। देखिए ये कितनी सुंदर पिक्चर है, देखिए माँ लक्ष्मी की कितनी सुंदर पिक्चर है। माँ लक्ष्मी देखिए फूल, कमल के फूल पर बैठी हुई है, उल्लू भी उन्हें पीछे से देख रहा है और उल्लू भी जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपको ये पांच चीजें जो है आपको ये अपने घर में नवरात्रे आने से पहले पहले आपको ये रखनी ही रखनी है। अगर आपने रख लिया तो आपका धन, आपका वैभव, आपका व्यापार, आपका काम, आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और वो कितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। जिस जिस वक्त आप इस चीजों को देखिए, इन चीजों को अगर शुभ मुहूर्त पर ले आते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। बस आप अपने उस दिन का राहु काल चेक कर लीजिए, गूगल पर सर्च करेंगे टुडेज राहु काल, तो आपको आ जाएगा कि इस दिन का राहु काल ये है। तो उस टाइम पीरियड पे उसको स्थापित ना करें, अदरवाइज आप किसी भी टाइम पर इसे जो है अपने मंदिर में, अपने घर में रखिए। तो इन चीजों से बढ़ता है आपका सौभाग्य, आपका सौभाग्य इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती रहती है। देखिए नवरात्रे जो होते हैं ना, ये नवरात्रे ये हमारे मन को शांत करने के, जो भी कई लोग होते हैं ड्रिंक कर रहे होते हैं, कई लोग सिगरेट स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे जेंट्स होते हैं जो बेशक कर रहे हो लेकिन नवरात्रों में छोड़ देते हैं, अंडा मांस मछली छोड़ देते हैं। तो इन दिनों में हम सात्विक होकर हमारी प्योर एनर्जीज जो है हमारी इतनी रिजुविनेट हो जाती है इन नवरात्रों में, माता रानी की कृपा आपके ऊपर जो है वो पूरी पूरी बरसती है। तो करके देखें ये पांच उपाय, पांच जो है ये उपाय ही है आप लोगों के लिए। और अपने घर की साफ सफाई को करना मत भूलें, घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान निकाल दें, सारे अपने घर को अस्त व्यस्त ना रखें। आपने देखा होगा तो माता रानी जो है ऐसे घर में नहीं आती है। अपने घर के बाहर बंधन वार जरूर लगा दीजिए, अशोक के पत्तों से या आम के पत्तों से बंधन वार जरूर लगाइए। और अपने घर में
छिड़काव कीजिए गुलाब जल का अपने घर में। छिड़काव देखिए, आप गंगा जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए और उसमें उसको जो है ना किसी स्प्रे की बॉटल में डाल दीजिए। उसमें कोई फिटकरी का पानी, इसका पानी, उसका पानी मत डालिए। फिटकरी बुध है, गंगा जल जो है वो चंद्रमा है। गुलाब का जल डालेंगे तो चंद्र मंगल का योग बनेगा। फिटकरी का पानी कहीं मैंने कहीं योग देखे, ऐसे लोग टीवी पे बोलते थे पांच चीजें डाल के स्प्रे करते रहो। अरे भैया स्प्रे करने के लिए भी तो चीजें, वो नेगेटिव इफेक्ट चंद्र बुध मिलते हैं तो क्या करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। ऐसा इंसान अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं करता, उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए फिटकरी के पानी को। फिटकरी के पानी से कुल्ले करने होते हैं। अब फिटकरी के पानी से चलो कुछ ज्यादा ज्यादा हो गए नहा ही लो, ये थोड़ी कि फिटकरी के पानी को घर में ही छिड़क देंगे हम। इसलिए नीम हकीम खतरे जान से बच के रहिए, अपनी कुंडली के उपाय कीजिए, अपने ग्रहों पे काम कीजिए। अगर आपने अपनी कुंडली का कोई भी शुभ योग इस नवरात्र में खुलवाना है तो हमसे संपर्क कीजिए। आपके सारे शुभ योगों को, चाहे वो गज केसरी हो, चाहे वो चंद्र मंगल का मां लक्ष्मी हो, या शश योग हो, या हंस योग हो, या जो है मालव्य योग हो, कोई भी योग हो, हम आपका उसे खुलवा कर देंगे और आपको उसका जो इफेक्ट आएगा, आपका 9th हाउस, आपका 11th हाउस, आपके सेकंड हाउस में इतना जबरदस्त इफेक्ट आएगा कि आपका वो सालों साल आपके जो है वो सही निकलते 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 जाएंगे। तो दर्शकों, चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा और ये जो वीडियो है और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को पता चले कि हमें नवरात्रे आने से पहले माता रानी को किस प्रकार से मनाना है। तो आज के लिए इतना ही, मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को ये विराम दूंगी। राधे राधे।